नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। किसानों को 3,706 करोड़ की राहत राशि वितरित। गेहूं की फसल में कंडुआ रोग, प्याज की फसल में जड़ गलन, आम के बागों में फफूंदी रोग, पशुओं में तिल्ली बुखार। प्रदेश में पिछले वर्ष अल्प वर्षा से हुई फसल हानि पर राज्य शासन द्वारा किसानों को अब तक 3,706 करोड़ 85 लाख 59 हजार रुपए की राहत राशि वितरित कर दी गई है। किसानों को राहत के लिए राज्य शासन द्वारा 3,550 करोड़ 66 लाख 97 हजार की राशि आवंटित की गई है। अभी तक वितरित राशि इस राशि का 96% है। यह राशि 28 जिलों में 100% वितरित की जा चुकी है। जिन जिलों में 100% राशि वितरित की गई है उनमें बड़वानी, भोपाल, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, डिंडोरी, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, टीकमगढ़, अनूपपुर, बुरहानपुर, अलीराजपुर और खरगोन हैं। गेहूं की फसल में मुख्य रूप से कंडुआ एवं झुलसा रोग इस मौसम में विशेष रूप से देखे जाते हैं। कंडुआ रोग के प्रकोप से बालियों में दानों के स्थान पर चूर्ण बन जाता है। बाद में यह काला चूर्ण हवा के द्वारा स्वस्थ बालियों पर संक्रमण करता है। खड़ी फसल में यह रोग दिखते ही रोगी पौधे को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज को बोने से पहले उपचारित करना चाहिए। गेहूं में झुलसा रोग के कारण पत्तियों पर भूरे व पीले रंग के अंडाकार धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की फसल में जड़ गलन। रबी के मौसम में कंद वाली फसलों में प्याज सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। प्याज की फसल में इस रोग का संक्रमण कंदों पर धब्बों के रूप में अथवा बाहर त्वचा व जड़ों के गलन से शुरू होता है। रोग का प्रकोप ज्यादा होने की अवस्था में पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। खड़ी फसल में हमें इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 200 लीटर घोल का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव शाम के समय करना चाहिए। इसके साथ साथ जड़ के पास गीला करें या ड्रेंचिंग करें और आवश्यकता होने पर 15 दिन बाद छिड़काव को दोबारा भी कर सकते हैं। आम के बागों में फफूंदी रोग के कारण पत्तियों पर हरे काले रंग के फफोले नुमा धब्बे दिखाई देते हैं, जिनका समय पर नियंत्रण न होने पर यह रोग पेड़ों पर निरंतर बढ़ता जाता है, जिसका सीधा असर पौधों की बढ़वार और फसल उत्पादन पर पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 3 ग्राम या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पशुओं में तिल्ली बुखार, जिसको हम विष ज्वर की गिल्टी रोग और एंथ्रेक्स के नाम से जानते हैं, इस रोग से पशु खाना पीना बंद कर देता है। उसे तेज बुखार आता है, पशु को बेचैनी होती है, उसे चक्कर आता है, पशु गाभिन हो तो उसका गर्भपात तक हो जाता है। पशु के प्राकृतिक भागों से लाल रंग का ना जमने वाला गाढ़ा खून निकलता है। इसी तरह के लक्षण अपने पशुओं में दिखें तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण करवा लेना चाहिए और वह भी लगातार 3 वर्षों तक। रोग आने पर रोगी पशु को अन्य पशुओं से तुरंत अलग कर देना चाहिए तथा पशु चिकित्सक की देखरेख में दवाइयां देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। शुरुआत करते हैं अरहर के मंडी भाव के साथ। इछावर में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 7,770 रुपए प्रति क्विंटल। जबलपुर में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 7,101 रुपए प्रति क्विंटल। जहां मुरैना में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 6,800 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 7,740 रुपए प्रति क्विंटल। नरसिंहपुर में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 6,330 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 8,130 रुपए प्रति क्विंटल। अब आते हैं चना उपज के मंडी भाव पर। गंज बासौदा में चना का न्यूनतम भाव रहा
3,800 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,401 रुपये प्रति क्विंटल। काला पीपल में चना का न्यूनतम भाव रहा 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,400 रुपये प्रति क्विंटल। खरगोन में चना का न्यूनतम भाव रहा 3,701 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,176 रुपये प्रति क्विंटल। रतलाम में चना का न्यूनतम भाव रहा 3,801 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,250 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं मसूर उपज के मंडी भाव की। आगर में मसूर का न्यूनतम भाव रहा 4,151 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,791 रुपये प्रति क्विंटल। नीमच में मसूर का न्यूनतम भाव रहा 4,401 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 5,101 रुपये प्रति क्विंटल। रीवा में मसूर का न्यूनतम भाव रहा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,635 रुपये प्रति क्विंटल। सुजालपुर में मसूर का न्यूनतम भाव रहा 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 4,701 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 ईडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।